फोन आता है दिन सॉरी भर बोल रहे हैं, 2400 घंटा। सॉरी इतना बोल रहे हैं। साला हरामजादा रद्दी साला बिहार का आदमी है। ब्राह्मण तामन हमको ब्राह्मण तामन हम सब बहुत नहीं जानते हैं। ई तंग कर रहा है हमरा, ऊ मार रहा है हमरा, ई बलात्कार कर गल हमरा घर के, ओकरा उठा के ले गए, एकरा उठा के ले गए, इतने फोने आता है। और कोई वोटर है तो क्या वो भैया अगले बार 4 गो वोट मेरे खिलाफ दे दीजिएगा। ठाकुर साहब नीतीश कुमार के सुशासन के सांसद हैं, मुंबई में बड़े कारोबार है और दिल्ली में संसद के अंदर जवाब देते हैं। साहब बिहार में बड़े पद पर रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव जीत कर गए हैं, ब्राह्मणों के चेहरा के तौर पर लोगों ने इन्हें वोट किया था, लेकिन अब इन्हें ब्राह्मण होने का विशेष महत्व तो नहीं समझ में आ रहा है। एक फरियादी ने 12 बजे रात को फोन किया, साहब हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के मान सम्मान की बात है। फिर क्या था, ठाकुर साहब के जुबान से गालियों की बौछार शुरू हो जाती है। ब्राह्मण हो तो क्या हुआ, क्या कर लोगे, ये फालतू बात नहीं। इसके बाद तो माननीय सांसद महोदय के जो अल्फाज है और उस बोली को हम सुना भी नहीं कर सकते हैं बिना बीप के, क्योंकि सभ्य समाज में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल शायद ही माननीय जैसे कोई भी सहज व्यक्ति करता होगा। उम्मीद नहीं थी, क्योंकि माननीय के घर से लेकर उनके दीवारों पर जिस तरीके से सुशोभित ढंग से तरीके से दीवारों पर वो लाइनें गुदवाई गई है, जिसमें अशब्द आचरण भाषा व्यवहार अगर प्रतीत होता है उस कंपाउंड के अंदर, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये माननीय का नोटिस है जो बरसों से इनके घर के दीवारों पर गुदवाया गया है। वो माननीय अपने ही दीवारों पर लिखी हुई बातों को शायद नहीं पढ़ते और सुनते होंगे, तभी तो 12 बजे रात में फोन करने वाले का सब कुछ इन्होंने सत्यानाश कर दिया। ये माननीय है बिहार के सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड के सांसद देवेश चंद ठाकुर। ठाकुर साहब तो वैसे बड़े मिलनसार टाइप के व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति से किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी पार्टी का हो इनके मधुर संबंध है, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। लेकिन रात के 12 बजे फोन करने पर इनका सारा जो बाहरी बनावट वाला जो करेक्टर है वो आभा मंडल से बाहर निकल के वो चकनाचूर हो जाता है और ठाकुर साहब अस्तित्व में आ जाते हैं अपने असली उस रौबदार अंदाज में, उस करेक्टर में जिसके आगे उन्होंने एक सफेद रंग का जो दीवारें बना रखी है, जो एक सादगी की पहचान बना रखी है, जो एक लिबास वो ओढ़ रखे हैं, उस लिबास को वो उतार फेंकते हैं। ये पूरा ऑडियो जो वायरल हो रहा है, अगर हम इस ऑडियो को सुने तो शुरुआती बातचीत में ऐसा लग रहा है कि ठाकुर साहब सोए हुए थे, नींद में किसी ने खलल डाल दी तो गुस्सा होना तो लाजमी था। लेकिन साहब आप किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे बिहार को क्यों गाली दे रहे हैं? आप उस व्यक्ति से या उसके फोन कॉल करने से नाराज हो सकते हैं, ये वाजिब है, होना भी चाहिए। आप बड़े पद पर रहे हैं, बड़े व्यक्ति हैं, बड़े कारोबारी हैं, सांसद हैं, आप लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं, गुस्सा होना चिड़चिड़ापन होना आम बात है, बहुत सारे फोन कॉल्स आते होंगे। लेकिन साहब इसमें बिहार को गाली देने का क्या मतलब है? अब बिहारी हैं तो हैं, हाँ हम बिहारी हैं और हमारी आदत है अपनी शिकायतों पर उनसे शिकायत करना, अपनी कम जो हमें जो कमी महसूस होती है, हमें जब जरूरत महसूस होती है तो हम उसको फोन करते हैं जिससे हम उम्मीद रखते हैं। और ये बात आपको अच्छे से पता है, ऐसा नहीं है कि इस पूरे ऑडियो क्लिप में आपने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है वो जायज नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिहारी ऐसे ही होता है, होगा क्यों नहीं, क्योंकि आप भी तो बिहारी ही है ना, आप भी तो बिहार से आए हैं, आप तो मर्यादा की धरती से हैं, आप तो मिथिला से हैं, माता जगत जननी के जन्मभूमि से हैं, सीतामढ़ी से हैं, आप उस कुल में हैं जिस कुल की पूजा होती है। और ये फोन करने वाला भी उसी कुल का व्यक्ति अपने आप को कहता है कि हम साहब ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण से इतना ऐतराज क्यों? ये मान लेते हैं ठाकुर साहब कि जात पात करना अच्छी बात नहीं और आप इसके विरोधा भी नहीं है, आप हमेशा इसके आलोचक रहे हैं, आपके नजरों में सबको एक समान है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें बिहारी को गाली देने का मत
थोड़ा सा अटपटा लगता है। ठाकुर साहब, बिहार के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इस व्यक्ति के फोन कॉल से आपकी नाराजगी क्या, वो आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन बिहारियों को गाली देना और बिहारियों के बारे में इस तरीके की सोच रखना आपके अच्छे चरित्र का वो पहचान जो आपने एक समाज में जो आवरण आपने बना रखा है उसे तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। आपसे इस तरीके की उम्मीदें नहीं थी। ठाकुर साहब, आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस भाषा की उम्मीद ना आपकी पार्टी के नेता करते होंगे ना ही आपके वोटर करते होंगे। आप तो यहां तक धमकी दे रहे हैं कि जाइए आप वोट नहीं कीजिएगा, मेरे खिलाफ चार वोट कर दीजिएगा। साहब, जब लोगों ने वोट किया था तब ये उम्मीद में किया था कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि वो चुनकर संसद भेज रहे हैं जो उनके दुख दर्द में हर वक्त साथ खड़ा होगा। आप होते भी हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप फोन कोई कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी में आपका ये भी बात वाजिब है। साहब, फोन करने वाले ने गलती कर दी, लेकिन उसके गलती की सजा पूरे बिहार के लोगों को नहीं दिया जा सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आप ये भी समझ रहे हैं कि फोन करने वाला जब आपसे माफी मांग रहा है तो आप कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। साहब, आपके नजरों में अनपढ़ गंवारों की कोई वैल्यू नहीं है क्या, जिसे आप गाली दे रहे हैं? अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आपको फोन करता है, माफी मांग लेता है, तो आप उसके लिए सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो बाकी बिहारी, जो बिहार के रहने वाले लोग आपके पास अपनी समस्या लेके पहुंचते हैं, जो आपके नजरों में जाहिल हैं, जो आपको फोन करते हैं, साहब अगर उनके पास समस्या होगी तो किसके पास जाएंगे? वो आपसे शिकायत नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? आप सत्ता और विपक्ष दोनों के नेता हैं, आप गरीब अमीर ब्राह्मण दलित सबके नेता हैं, तो आपके पास ही तो शिकायत होगी। यह पूरा ऑडियो क्लिप, इसमें दो पक्ष है। एक पहलू है कि देवेशन ठाकुर ने जो बातचीत की उसमें उन्होंने अपनी खींच निकाली, दूसरा पहलू है कि उन्होंने वो बातें समझाई उस व्यक्ति को कि नहीं, आप 12 बजे रात में बिना इमरजेंसी बहुत अति आवश्यक नहीं हो तो बेवजह फोन करके क्यों तंग करना। हम आपके सांसद हैं आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, ना कि बेवजह आपकी बातें सुनने के लिए। बिल्कुल वाजिब है, लेकिन साहब आप जिस शब्दों का चयन कर रहे हैं आपत्ति तो उन शब्दों पर है। आप पूरे बिहार के लोगों को जो पिप वाला जो लाइन आप सुना रहे हैं वो वाजिब नहीं है, और आपसे ना ही बिहार का कोई वोटर ना बिहार का कोई व्यक्ति किया होगा। आपके घरों में, आपके घर में जाने वाले लोग जानते हैं कि आपके पास ना किसी राजनीतिक दल का बंधन है और ना ही किसी समाज की बंदिश है। आप सबको तोड़कर बाहर निकल चुके हैं। आपके घर के दीवारों पर जहां नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है, वहीं लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर लगी है। आपके घर के दीवारों पर जहां नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है, तो वहीं आप नेहरू की भी तस्वीरें लगाए हुए हैं, गांधी की भी तस्वीरें लगाए हैं। आप उन दीवारों पर लिखे हुए शब्दों को अपने जीवन में जो आत्मसार करते हैं, आखिर एक फोन कॉल से कैसे उन तमाम बंधनों को, उन तमाम विचारों को तोड़कर लोगों को गाली देने लगते हैं, इस पर सवाल है। ठाकुर साहब, हमारी या बिहार के लोगों की शिकायत आपसे बस इतना ही है कि जब भी कोई समस्या में फोन करता है तो उस व्यक्ति की समस्या होती है, उस प्रदेश की नहीं और उस जाति की नहीं। और जो जिस जात का होता है वो उस जात के नेता से कुछ ज्यादा उम्मीद करता है। ये अच्छा हुआ कि आपने यह भ्रम तोड़ दिया कि किसी ब्राह्मण को देवेशन ठाकुर को फोन करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा हुआ आपने यह भ्रम तोड़ दिया कि किसी बिहारी को आपको फोन करने का अधिकार नहीं है। यह वीडियो वायरल हो रहा है, यह आपकी बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, और बातचीत करने वाला शख्स आपसे भी बड़ा शातिर है, उसने आपकी बातचीत का पूरा ऑडियो जो है रिकॉर्ड कर लिया। फर्स्ट बिहार झारखंड इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है और ना ही देवेशन ठाकुर से हमारी कोई बातचीत हुई इस पूरे मामले पर, वो भी हम आपको बता देते हैं। फिलहाल जो वायरल ऑडियो है वो हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि ऑडियो वायरल हो रहा है और इसमें यह दावा किया जा रहा है कि सामने वाला व्यक्ति देवेशन ठाकुर है जो बात कर रहा है, और जो फोन करने वाला शख्स है वो खुद अपने आप को देवेशन ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र का एक वोटर बता रहा है, लोकल पत्रकार बता रहा है और आपको जानने वाला बता रहा है। इस ऑडियो की पुष्टि और इसकी जांच हम नहीं करते हैं। हम बार बार करें कि यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसकी पुष्टि अब तक देवेशन ठाकुर की तरफ से नहीं की गई है और ना ही फोन करने वाले शख्स ने ना ही मीडिया से कोई दूसरी बार बातचीत में कोई सफाई दिया है। फिलहाल इस ऑडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, तय आपको करना है। और ठाकुर साहब आपसे भी एक विनती है,
बिहारियों को इस तरीके से जलील नहीं करें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि किसी बिहार की सिरमौर और बिहार की शान बनकर आप संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ सर, हम गोविंद पन्ना से बात कर रहे थी सर। हाँ गुड्डू जा नाम है सर। हाँ सर, यहाँ पर कुछ लफड़ा हो गया। कुछ ही लफड़ा हो गया। हेलो। हाँ कौन सी की लफड़ा हो गया? सुबोध झा जी छथिन के, सुबोध झा। हाँ अपने के पास में कॉल भी कर रहा हूँ ना, हम प्रमुख साहब के आदमी छी। कौन प्रमुख साहब? देविंदर सर। अच्छा सर, मतलब सुबोध झा बहुत अन्याय करे गाँव में। कौन सुबोध झा? वकील साहब। हम नहीं चिंते कौन है सुबोध झा सर, अपने के पास में कॉल भी अभी कर रहा ना। हमको तो नहीं बात हुई है, कौन चीज के लिए? ये अभी मारपीट कर रहा ना। हमको नहीं फोन किए हैं, कौन कहा आपको? अभी 112 नंबर प्रशासन आ रहा थी ना, हम पत्रकार भी थी सर। हमको नहीं फोन किया कोई सुबोध झा। अच्छा नहीं किए थे सर। हम बम्बई में है, हमारा दिल्ली अच्छी चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, मालूम है। हम रात में आए हैं दूसरे काम से, यहाँ सुबह हम लौट जाएंगे, हमको नहीं फोन किया कोई। जी एक ब्राह्मण के नाते हम अपने के रिक्वेस्ट करे छी कि एगो ब्राह्मण के उधार कर दियो। बाबू एक बात जान लीजिए, रात में 12 बजे फोन करने का कोई इमरजेंसी रहता है, आग लगता है, फायर लगता है, पुलिस आता है, ये सब हमको जरूर फोन कीजिए जी। प्रशासन तो समय ब्राह्मण तामन, हमको ब्राह्मण तामन हम सब बहुत नहीं जानते हैं। जी 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 जी, हमको फालतू डिस्टर्ब किया कीजिए रात के 12 बजे। दिन भर यही फोन आता है, दिन भर 24 घंटा। इतना साला हरमजादा रद्दी साला बिहार का आदमी है, रात दिन भर यही फोन करेगा। हमरा तंग कर रहा है, हमरा मार रहा है, हमरा बलात्कार कर गल, हमरा घर के ओकरा उठा के ले गए, एकरा उठा के ले गए, इतने फोने आता है। जी ना, बिहार तो सॉरी बोले जी सर, हम पहले बार फोन कर लिए अपने के। नहीं कीजिए ना, आप होशियार आदमी दिखते हैं हमको। रात में 12 बजे फोन करने का भी जगह है, समय है इसका? अपने के वोटर थी सर। कोई वोटर है तो क्या हुआ भैया, अगले बार 4 को वोट मेरे खिलाफ दे दीजिएगा। नहीं सर, नहीं, मेहरबानी कीजिएगा, 4 वोट मेरे खिलाफ दे दीजिएगा। नहीं सर, हम नहीं देंगे। अब आपका वोट का मतलब ये नहीं है कि रात में आप हमको 12 बजे फोन कीजिए बिना मतलब का। कोई जरूरी काम है तो जरूर हम हाजिर है, 24 घंटा हाजिर है। ठीक है सर, हम 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।